हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। हम आज की क्लास में रीजनिंग के न्यू टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रैंकिंग, जिसे हम हिंदी में क्रम निर्धारण के नाम से भी जानते हैं। और जो ये टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ में किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यदि मैं इस टॉपिक के अंदर इसके रैंकिंग कंपैरिजन और रैंकिंग पजल वाले टाइप को मर्ज कर देता हूं, तो ऐसी संभावना हो जाती है कि इस टॉपिक से एग्जाम्स के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते अपने सेशन की ओर। जैसा ही फ्रेंड्स, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं रैंकिंग को। रैंकिंग का मतलब ही हो गया कि क्रमांक वाले क्वेश्चन, अर्थात क्रमांक पर आधारित प्रश्न। और जब हम रैंकिंग की बात करेंगे तो इसे हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर पढ़ते हैं। कितने टाइप्स में डिवाइड कर पढ़ते हैं फ्रेंड्स? रैंकिंग को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर पढ़ते हैं। इसका पहला टाइप है वस्तु की स्थिति। क्या है फ्रेंड्स? वस्तु की स्थिति, जिसे हम इंग्लिश में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और फ्रेंड्स, इसका दूसरा टाइप है क्रमांक तुलनात्मक। क्या है फ्रेंड्स? क्रमांक तुलनात्मक, जिसे हम इंग्लिश में रैंकिंग कंपैरिजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रैंकिंग कंपैरिजन के नाम से जानते हैं। और ध्यान रहे, रैंकिंग कंपैरिजन को ही हम इसके दूसरे नाम रैंकिंग ऑर्डर के नाम से जानते हैं, इसे हम रैंकिंग ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। यदि मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसमें कहा जाएगा कि देयर आर 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई, जिसमें ए बी से बड़ा है और सी से छोटा है। तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम्स अंडर रैंकिंग कंपैरिजन। और फ्रेंड्स, इसका टाइप 3 है हमारा क्रमांक पहेली। क्या है? क्रमांक पहेली, जिसे हम इंग्लिश में रैंकिंग पजल्स के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी तक कहा कि हम आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक रैंकिंग को, जिसे हम हिंदी में क्रमांक वाले क्वेश्चंस या फिर क्रमांक पर आधारित प्रश्न के नाम से जानते हैं। और जब हम बात करेंगे रैंकिंग की, तो इसे हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला टाइप है वस्तु की स्थिति, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा टाइप है क्रमांक तुलनात्मक, रैंकिंग कंपेरिजन, जिसे हम रैंकिंग ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। और इसका तीसरा टाइप है हमारा क्रमांक पहेली, जिसे हम रैंकिंग पजल्स के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे वस्तु की स्थिति, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वाले टाइप की। तो आप सभी लोग हेडिंग दे दें, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति। तो देखें फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं इसके टाइप 1। इसका टाइप 1 है वस्तु की स्थिति। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जब हम बात करेंगे इसके टाइप 1 की, तो इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ही जरूरी है। इसके अंदर क्या होगा फ्रेंड्स, हमसे 2 टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा फ्रेंड्स वर्टिकल। एक क्षैतिज रेखा पर आधारित प्रश्न और दूसरा हमसे पूछा जाएगा ऊर्ध्वाधर रेखा पर आधारित प्रश्न। तो देखें, इससे मैं आप लोगों को
क्या बताना चाह रहा हूं। यदि फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस हॉरिजॉन्टल यानी पंक्ति और रो यानी रो या फिर पंक्ति पर आधारित हो तो हम किस प्रकार से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स पहले तो आप ये समझें कि रो का मतलब क्या होता है, पंक्ति का मतलब क्या होता है। पंक्ति का मतलब होता है जब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस का प्रकार इस लाइन पर बेस हो, इस पंक्ति पर बेस हो, तो आपको यहां पर ये जानकारी होनी चाहिए कि पंक्ति के अंदर जो हमारा लेफ्ट होता है वही पंक्ति में भी लेफ्ट होता है और जो हमारा राइट हैंड होता है वह पंक्ति में भी राइट होता है। मेरा कहने का ये मतलब फ्रेंड्स जब भी क्वेश्चन हमारे पंक्ति पर बेस हो, जब भी क्वेश्चन हमारे पंक्ति पर बेस हो तो ऐसे में जो हमारा लेफ्ट होता है वह पंक्ति में भी लेफ्ट होता है और जो हमारा राइट होता है वह पंक्ति में भी राइट होता है। दूसरी बात पंक्ति के अंदर क्या होता है, हम जो फेसिंग मानते हैं वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को मानते हैं। किसे मानते हैं फ्रेंड्स, नॉर्थ डायरेक्शन को मानते हैं। यदि फ्रेंड्स मैं बात करूं ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रेखा की तो इसके अंदर क्या होगा कि हमारे जो क्वेश्चंस बेस होंगे वो इस प्रकार से इस रेखा पर बेस होंगे जिसके अंदर ऊपर का भाग हमारा टॉप कहलाता है और नीचे का भाग हमारा कहलाता है बॉटम। क्या कहलाता है, बॉटम। ऊपर का भाग शीर्ष और नीचे का भाग तल कहलाता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इससे सिंपल यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारा टाइप वन है वस्तु की स्थिति, इसके अंदर हमसे टू टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब यदि हमारे क्वेश्चंस पंक्ति पर बेस हो तो हम किस तरीके से करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी हमारे क्वेश्चन पंक्ति पर बेस होंगे तो पंक्ति में जो हमारा लेफ्ट होता है वह पंक्ति में भी लेफ्ट होता है और जो हमारा राइट होता है वह पंक्ति में भी राइट होता है। मेरा कहने का मतलब कि इसमें हम हमेशा फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन को मानकर चलेंगे। दूसरी बात मैंने बताया जब हमारे क्वेश्चंस वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर रेखा पर बेस हो तो इसमें क्या होता है कि जो रेखा होगी वो इस प्रकार से खड़ी होगी जिसमें ऊपर का भाग हमारा होगा टॉप और नीचे का भाग होता है हमारा बॉटम, जिसे हम हिंदी में शीर्ष और तल के नाम से जानते हैं। एक और बात यदि मैं इसकी बात करूं तो इसमें कहा जाएगा कि एक व्यक्ति अपनी कक्षा में थर्ड स्थान पर है। तो ध्यान रहे जब भी हम ये बात बोलते हैं कि एक व्यक्ति अपनी क्लास में थर्ड रैंक पर है तो फ्रेंड्स जो थर्ड बोला जा रहा है ना ये टॉप से होगा। क्योंकि आप मुझे एक बात बताएं, जब भी अनाउंसमेंट होती है किसी क्लास में कि एक बच्चा थर्ड आया या फोर्थ आया फिफ्थ स्थान पर आया है तो जो ये बच्चा थर्ड फोर्थ या फिर फिफ्थ स्थान पर आया है ये फ्रेंड्स टॉप से आता है ना कि बॉटम से। तो ध्यान रहे जब भी क्वेश्चन में ये कहा जाए कि कोई व्यक्ति अपनी क्लास के अंदर फिफ्थ स्थान प्राप्त किया है इट मीन्स उसने ऊपर से फिफ्थ स्थान प्राप्त किया है। यदि क्वेश्चन में कहा जाए कि उसी व्यक्ति ने बॉटम से 25th स्थान प्राप्त किया है तो इसका मतलब अब उस व्यक्ति ने बॉटम से किस स्थान को प्राप्त किया है, 25th को प्राप्त किया है। मैं आपको इससे बताना चाह रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन के अंदर में इस प्रकार से बोला जाए कि कोई व्यक्ति अपनी क्लास में फिफ्थ रैंक प्राप्त कर रहा है, 8th प्राप्त कर रहा है या फिर 17, 18 या फिर 25th रैंक प्राप्त कर रहा है तो फ्रेंड्स आप वहां पर यह समझोगे कि उस व्यक्ति ने जो ये रैंक प्राप्त की है वह टॉप से की है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि भारत का स्थान सुरक्षा के मामले पर तीसरे स्थान पर है या फिर भारत का स्थान जनसंख्या के मामले पर दूसरे स्थान पर है तो आप यहां पर यह समझोगे कि जो ये जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है तो ये टॉप से है ना कि बॉटम से। तो फ्रेंड्स देखें अब मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि इसके अंदर एक टर्म है बोथ साइड, एक टर्म है बोथ साइड जिसका कि यहां पर यूज किया जाता है बोथ साइड जिसका हिंदी मीनिंग होता है दोनों ओर से। क्या होता है फ्रेंड्स, दोनों ओर से। तो मैं इससे क्या बताना चाह रहा हूं आप ये समझें फ्रेंड्स जब भी क्वेश्चन के अंदर में ये कहा जाए कि कोई व्यक्ति एक पंक्ति के अंदर दोनों ओर से इस रैंक पर है तो दोनों ओर से का मतलब आप समझोगे मे बी लेफ्ट टू राइट, मे बी लेफ्ट टू राइट
मे बी राइट टू लेफ्ट और मे बी टॉप टू बॉटम और मे बी बॉटम टू टॉप। मैं क्या बताना चाह रहा हूं फ्रेंड्स, जब भी क्वेश्चन के अंदर में ये बात बोली जाए कि किसी व्यक्ति का रैंक उस पंक्ति के अंदर दोनों ओर से ये है, दोनों ओर से ये है, तो वहां पर आप इस बात को समझोगे कि वहां पर दोनों ओर से का मतलब हो गया मे बी लेफ्ट टू राइट, मीन्स लेफ्ट और राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। तो फ्रेंड्स अब हम जो ये हमारा टाइप वन है इसके कंसेप्ट वन को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें फ्रेंड्स कि हमारा जो टाइप वन था पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका जो कंसेप्ट वन है वो क्या कहता है। फ्रेंड्स जो एक कंसेप्ट वन है इसे मैंने वीडियो को पॉज करके लिख दिया है ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो देखें कंसेप्ट वन है हमारा, जब किसी व्यक्ति का क्रमांक दोनों ओर से दिया गया हो, व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन फ्रॉम बोथ साइड। तो जो ये मैंने कंसेप्ट वन में लिखा है इसका क्या मतलब है आप इसे समझने की कोशिश करें। मान लिया जाए कि एक पंक्ति है और इस पंक्ति में हमें ए का रैंक दे रखा है लेफ्ट से 10। क्या दे रखा है फ्रेंड्स, ए का रैंक लेफ्ट से दे रखा है 10 और इसी पंक्ति में ए का रैंक हमें राइट से दे रखा है 15। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताएं इस पंक्ति में कुल संख्या कितनी है। तो ध्यान रहे जब भी फ्रेंड्स किसी व्यक्ति का क्रमांक दोनों ओर से दिया गया हो, जब भी किसी व्यक्ति का क्रमांक दोनों ओर से दिया गया हो, मे बी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, और आपसे वहां पर कुल संख्या निकालने को कहे, तो कुल संख्या का मतलब ही हो गया दोनों स्थितियों का योग, दोनों स्थितियों का योग माइनस वन। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को याद होना चाहिए कि जब भी किसी व्यक्ति का रैंक दोनों ओर से गिवन हो और वहां पर कुल संख्या निकालने को कहे, तो कुल संख्या निकालने का एक छोटा सा कंसेप्ट है और कंसेप्ट ये है कि हमें क्या करना है, दोनों स्थितियों का योग करना है और उसमें से सेपरेट कर देना है वन। इंग्लिश मीडियम यदि आपसे टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने को कहे, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने का फॉर्मूला ही है सम ऑफ बोथ साइड पोजीशन, सम ऑफ बोथ साइड पोजीशन माइनस वन। जैसे हमने यहां पर देखा कि एक व्यक्ति का रैंक जो कि ए है लेफ्ट से दे रखा है 10 और उसी पंक्ति में ए का रैंक राइट से हमें दे रखा है फ्रेंड्स 15। तो हमें टोटल नंबर निकालने को कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ बोथ पोजीशन, दोनों पोजीशंस को सम करेंगे और सेपरेट कर देंगे वन। तो हमारा कितना आ जाएगा 10 प्लस 15 25 माइनस वन दैट इज 24। तो हम ये कहेंगे कि इस पंक्ति के अंदर टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स आप में से बहुत से स्टूडेंट्स इस बात को सोच रहे होंगे कि जो ये हमने माइनस वन किया है वो क्यों किया है, तो आप इसे समझने की कोशिश करें। जैसे फ्रेंड्स हमने अभी देखा कि इस पंक्ति के अंदर हमारे कितने टोटल पर्सन आए, टोटल पर्सन आए 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये हो गया हमारा 24। तो फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा कि इस पंक्ति के अंदर हमारा लेफ्ट से ए का रैंक था 10, तो देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहां पर था हमारा ए,
लेफ्ट से 10 पोजीशन पर, और मैंने कहा कि ए का राइट से था हमारा 15। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और इसी ए का रैंक राइट से हमारा क्या था 15 था। तो मैं आप लोगों को यहां पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आप लोगों को यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि जब हमने ए के काउंटिंग लेफ्ट से की तो इसे यहां पर काउंट किया गया, और इसी प्रकार से जब हमने ए की काउंटिंग राइट से की तो भी इसे काउंट किया गया। तो हमने देखा कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड से जब हमने काउंट किया तो यहां पर जो ए है इसकी काउंटिंग 2 times दो बार हुई है। कितनी बार हुई है? 2 बार हुई है। और आप लोग जानते हैं जब हम किसी भी पर्सन को 2 बार काउंट कर रहे हैं तो वहां पर हमें 1 बार सेपरेट करना होगा, और यही कारण था कि जब हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल रहे थे तो वहां पर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। फ्रेंड्स इस पर बेस एक दो एग्जांपल देखेंगे। जैसे क्वेश्चन में कहा गया कि एक पंक्ति है और उस पंक्ति में ए का रैंक लेफ्ट से हमें दे रखा है 15, ए का रैंक लेफ्ट से हमें दे रखा है 15, और इसी पंक्ति में ए का रैंक हमें राइट से दे दिया है 25। कितना दे दिया है? 25। तो हमसे पूछा है कि बताएं कि इस पंक्ति के अंदर टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको सिंपली क्या करना है, जब भी किसी व्यक्ति का क्रमांक दोनों ओर से गिवन हो तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने का फॉर्मूला है सम ऑफ बोथ पोजीशन माइनस 1। सम ऑफ बोथ पोजीशंस 25 प्लस 15 माइनस 1। तो देखें 25 प्लस 15 40 माइनस 1 दैट इज 39। तो हम ये कहेंगे कि इस पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे? 39 हो जाएंगे। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि फ्रेंड्स इसी टाइप में आपसे कहा जाए एक क्लास है जिसमें किसी व्यक्ति का रैंक, किसी विद्यार्थी का रैंक 29 है, किसी विद्यार्थी का रैंक 29 है, तो ध्यान रहे जब भी ये कहा जाए कि एक क्लास में किसी विद्यार्थी का रैंक 29 है, तो फ्रेंड्स इसका ये मतलब है जो 29 रैंक है वो कहां से होगा? ऊपर से होगा। राम का रैंक किसी क्लास में 29 है, दैट इज टॉप से कितना है? 29। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि उसी पंक्ति में राम का रैंक बॉटम से 68 है। राम का रैंक बॉटम से 68 है। तो बताएं इस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को सिंपल सा बताया कि आपको क्या करना है, सम ऑफ बोथ पोजीशन 68 प्लस 29 और माइनस कर देना है 1। तो देखें 9 और 8 17, 2 और 6 8 और 1 9। तो इस प्रकार से फ्रेंड 97 माइनस 1 96। हम ये कहेंगे कि इस क्लास में टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 96 हो जाएंगे, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को कुल संख्या निकालना बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इसके कंसेप्ट 2। फ्रेंड्स देखेंगे अब हम नेक्स्ट टाइप को। नेक्स्ट टाइप है हमारा जब पंक्ति में उपस्थित कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई हो और उस पंक्ति में किसी व्यक्ति का क्रमांक किसी भी एक ओर से दिया गया हो। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स व्हेन टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज गिवन एंड पोजीशन ऑफ एनी वन ऑब्जेक्ट इज गिवन फ्रॉम एनी वन साइड। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब फ्रेंड्स पंक्ति में हमें कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई हो और उस पंक्ति में किसी एक व्यक्ति का क्रमांक हमें किसी भी एक ओर से दिया गया हो, मे बी लेफ्ट मे बी राइट मे बी टॉप
मे बी बॉटम। तो यहां आपसे उस व्यक्ति का क्रमांक अपोजिट साइड से निकालने को कहेगा। तो फ्रेंड्स जो ये लाइन लिखी है इसका क्या मतलब है, इस बात को आप लोग समझने की कोशिश करें। मान लिया जाए कि एक पंक्ति है और इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या हमें दे रखी है 20। कितनी दे रखी है फ्रेंड्स, 20 दे रखी है। और हमसे कहा गया यदि ए का रैंक लेफ्ट से, यदि ए का रैंक लेफ्ट से 5 हो तो बताएं इस ए की स्थिति अपोजिट साइड से क्या होगी। तो फ्रेंड्स हमसे क्या निकालने को कहेगा, वस्तु की स्थिति विपरीत ओर से निकालने को कहेगा। क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स, वस्तु की स्थिति विपरीत ओर से निकालने को कहा जाएगा। तो मैंने कहा जब भी हमें किसी क्वेश्चन के अंदर में टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिए गए हों और वहां पर किसी एक व्यक्ति का क्रमांक किसी भी एक ओर से दिया गया हो, तो फ्रेंड्स वस्तु की स्थिति विपरीत ओर से का मतलब ही हो जाएगा कुल संख्या माइनस एक ओर से दिया गया क्रमांक प्लस 1। मैंने क्या कहा फ्रेंड्स, जब भी हमसे इस टाइप के क्वेश्चन में वस्तु की स्थिति विपरीत ओर से निकालने को कहे तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना है, कुल संख्या में से माइनस कर देना है एक ओर से दिया गया क्रमांक और लास्ट में कर देंगे हम प्लस 1। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स यदि आपसे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अपोजिट साइड निकालने को कहे, तो आपको क्या करना है, टोटल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देना है वन साइड पोजीशन ऑफ गिवन रैंक और लास्ट में फ्रेंड्स ऐड कर देना है प्लस। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमने यहां पर देखा कि हमें इस पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिया गया है, और इसमें ए का रैंक एक साइड से दिया गया है और हमसे पूछा है कि बताएं इस ए का रैंक अपोजिट साइड यानी कि राइट साइड से क्या होगा। तो देखें टोटल नंबर कितना है 20, माइनस करना है वन साइड पोजीशन, तो वन साइड पोजीशन कितनी है 5 और फ्रेंड्स ऐड हमें करना है कितना प्लस 1। तो देखें 20 माइनस 5 15 प्लस 1 दैट इज 16। इसका ये मतलब है कि अब ए की जो पोजीशन है राइट साइड से कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी और ये हमारा होगा आंसर। यदि फ्रेंड्स आप इसको प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं कि हमने देखा ए की पोजीशन हमें लेफ्ट से दे रखी है 5 और इसी ए की पोजीशन राइट से हमें दे रखी है 16। और आप लोग जानते हैं जब हमें किसी भी एक व्यक्ति की रैंक दोनों साइड से दी गई हो तो वहां पर हम टोटल पर्सन निकाल सकते हैं सम ऑफ बोथ पोजीशन माइनस 1। 16 प्लस 5 21 माइनस 1 इज इक्वल टू 20। तो देखें टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल व्यक्ति कितने हैं, यहां पर भी 20 है और यहां पर भी कितने हैं फ्रेंड्स 20 हैं। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि जो ये हमने प्लस 1 किया है, ये क्यों किया है। तो इसे आप समझने के लिए यहां पर ध्यान दें,
फ्रेंड्स हमें पंक्ति के अंदर कुल व्यक्तियों की संख्या 20 दे रखी थी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। और इसमें ए का रैंक हमें लेफ्ट से दे रखा था 5। कितना दे रखा था? 5। 1, 2, 3, 4, 5। हमने देखा कि हमें यहां पर ए का रैंक 5 दे रखा था, लेकिन हमसे इस क्वेश्चन के अंदर राइट से ए की पोजीशन पूछी थी। तो देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो हमने देखा जब हमने राइट से ए की पोजीशन निकाली तो ये आई हमारी 16 नंबर। तो इससे मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखें जब हमने लेफ्ट से ए की रैंक निकाली तो यहां पर ए को काउंट किया है, ठीक इसी प्रकार से जब हम राइट से भी ए की रैंक निकाल रहे हैं तो भी हम इस ए को एक बार और काउंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स जब हम अपोजिट साइड से इस ए की रैंक निकाल रहे हैं तो यहां पर हम इसको एक बार और काउंट कर रहे हैं, और जब हम इसे एक बार और काउंट कर रहे हैं तो इसीलिए हम इसमें +1 कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो लॉजिक था +1 वाला समझ में आ गया होगा। अब हम इस पर बेस्ड एक दो एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे फ्रेंड्स क्वेश्चन में कहा गया कि एक पंक्ति है और इस पंक्ति में कुल पेड़ों की संख्या 25 है। कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? 25 है। और कहा गया यदि इस पंक्ति में आम का पौधा राइट से 17th पोजीशन पर है, तो बताएं इस आम के पौधे की लेफ्ट से क्या पोजीशन होगी, क्या रैंक होगी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बताया, जब भी अपोजिट साइड से रैंक निकालना हो तो आपको क्या करना है, टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देना है वन साइड पोजीशन को और फिर ऐड कर देना है उसमें 1। कितना? +1। तो देखें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमें दे रखा है 25, वन साइड पोजीशन हमें दे रखी है 17 और ऐड कर देंगे +1। तो फ्रेंड्स 25 में से जब हम 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 8 +1 दैट इज 9। तो हम ये कहेंगे कि इस पंक्ति में लेफ्ट से आम के पौधे का रैंक हो जाएगा 9। और आप यदि इसे वेरीफाई करना चाहें तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, 17 + 9 - 1, 17 + 9 = 26 - 1 दैट इज 25। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं जब हमें किसी एक व्यक्ति का रैंक दोनों साइड से गिवन हो तो हम वहां पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 25। और यहां पर भी कितने हैं? 25। फ्रेंड्स देखेंगे एक और क्वेश्चन। फ्रेंड्स मान लिया जाए कि एक पंक्ति है जिसमें कुल व्यक्तियों की संख्या हमें दे रखी है 40। कितनी दे रखी है? 40। और हमसे कहा यदि इस पंक्ति में लेफ्ट से राम का रैंक 18 है, तो बताएं अपोजिट साइड से इस राम का रैंक क्या होगा, तो सिंपल टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे वन साइड पोजीशन को और प्लस कर देंगे 1।
40 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 को, तो आएगा हमारा 22 प्लस 1 23। तो हम ये कहेंगे कि अब राइट से इसका रैंक हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 23 हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। और मैंने आप लोगों को बताया, जब भी हमें किसी व्यक्ति का रैंक दोनों ओर से दिया गया हो तो वहां पर आप टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालकर इसे वेरीफाई कर सकते हो। जैसे हमें यहां पर लेफ्ट से रैंक दे रखा है 18 और इसी व्यक्ति का रैंक राइट से हमें दे रखा है 23। दोनों को ऐड करके यदि हम माइनस कर दें 1, तो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा 18 प्लस 23 41 माइनस 1 दैट विल बी 40। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्रूफ भी हो गया कि हमारा जो आंसर है वो क्या एकदम सही है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, और हम मिलेंगे फिर एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।